पापा की परी देख रहे हो भाई, फोन का हाल देखो मेरे क्या हो गया भाई। खत्म। अभी मेरे पास फोन ही नहीं है किसी से कांटेक्ट करने के लिए। अमू से भी कांटेक्ट नहीं कर सकता, किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकता। सोच रहा हूँ जॉब पे लग जाओ, ये सब छोड़ दो। वेलकम बैक टू द चैनल। आपको पता है कि रिसेंट डेज में हमने डलाया था इसमें गोल्डन चेन स्प्रॉकेट जो ब्रास कीट है वो। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज कल मैं गया था मुंबई अमू के साथ ये माइक अडैप्टर लेने के लिए, और इसको मैंने अभी तक ओपन करके देखा भी नहीं है क्योंकि मेरा मूड इतना ज़्यादा खराब है ना भाई, क्या बताओ आपको। मेरे ना मतलब पीछे पनौती लग गई है लिटरली। एक चीज़ ठीक होती है ना दूसरी चीज़ ख़राब हो रही है। कल एक्चुअली मैं हम लोग वहाँ से आए माइक अडैप्टर लेके, फिर मैं घर पे आया वीडियो एडिट करने बैठा और मेरे से ना मेरा फ़ोन गिर गया, और फ़ोन का मेरे पास अभी फ़ोन ही नहीं रहा मेरा भाई। ख़त्म। अभी मेरे पास फ़ोन ही नहीं है किसी से कांटेक्ट करने के लिए। अमू से भी कांटेक्ट नहीं कर सकता, किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकता। अभी हमारा प्लान है बाहर जाने का। एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे है तो उससे मिलने भी जाना है, और फिर कौशिक को भी उसका फोटोशूट वगैरह करना है तो उसने बुलाया था, तो वहाँ पर जाना है। अभी फोटोज़ वगैरह निकालने हैं हमें। बाकी इसको ना मैंने सेटअप करना तो दूर, इसको मैंने अनबॉक्स भी नहीं करा, मेरा बिल्कुल मन ही नहीं करा। अभी तक मैं मोटोलॉग इसके थ्रू करता था, इसमें मैं ऑडियो रिकॉर्ड करता था, और अभी यही नहीं रहा। अभी ऑडियो के लिए ये आ गया। मतलब एक चीज़ आती है ना तो एक चीज़ ख़राब हो जाती है, ऐसा हो गया मेरे साथ। बट इसको तो मैंने अभी तक ना देखा भी नहीं ओपन करके, वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है जब से मैंने लाया है। इसको भी सेटअप करना है, हेलमेट अपना ये रहा, इसको सेटअप करना है, लेकिन अभी नहीं, अभी बाद में करूँगा आराम से। अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मूड बहुत ख़राब है तो अभी नहीं करूँगा। वैसे एज सच मुझे उतना ज़्यादा कुछ गम नहीं है कि मेरा मोबाइल चला गया, क्योंकि ना मोबाइल से बहुत ज़्यादा टाइम पास हो रहा था। मैं इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करता बैठता था ना कभी, तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाता था उसमें। लेकिन क्या है कि मुझे थंबनेल एडिट करने के लिए मोबाइल लगता था, तो वो एक काम अटक रहा है और मैं किसी से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा। तो अभी मुझे देखना पड़ेगा, या तो मुझे फ़ोन बनवाना पड़ेगा या फिर नया लेना पड़ेगा। और अभी अभी खर्चा किया हो तो नया लेने का मेरा बजट है नहीं, और दूसरे भी बहुत सारे प्लान्स हैं, तो अभी समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। ठीक है, जो भी है, अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा रोड पे बाइक चलाने के लिए, थोड़ा राइड करेंगे, मूड ठीक होगा, फिर मुझे रिटर्न घर जाके वीडियो एडिट भी करना है। तो भाई निकल रहे हम लोग, ये रहे अपनी प्यारी औरा। कल हमें पकड़ा था पुलिस ने, आपने आई होप लास्ट व्लॉग देखा रहेगा। तो मेरा कुछ ज़्यादा इच्छा ही नहीं है, उतना मैं एक्टिव ही नहीं हूँ। वैसे आपको मैंने ना मेरे फ़ोन का हाल नहीं दिखाया, तो एक बार फ़ोन का हाल भी दिखा देता हूँ। ये देखो मेरा फ़ोन, ये गिरा था कल मुझसे, देख रहे हो भाई। फ़ोन का हाल देखो मेरे क्या हो गया। अभी हम लोग जाने वाले वही रोड पर थोड़ा मस्ती वगैरह करेंगे, कोशिश को थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह निकालने हैं, और थोड़ा सा बाइक चलाएंगे, थोड़ा राइड करेंगे, थोड़ा सा ट्रैक करेंगे, तो क्या अपना भी मन खुश हो जाएगा, है ना। फिर घर जाके मुझे वीडियो एडिट करके डालना भी है। आपको पता है कि मैंने डेली व्लॉग अभी तक वेट करा नहीं है। डेढ़ साल से मैं चाहता था कि मैं माइक अडैप्टर खरीदूँ, और अभी ख़रीदने के बाद ओपन करके भी नहीं देखा उसको, इतना मूड ख़राब हो गया था। चलो ठीक है, जो भी जैसा भी है, ज़्यादा आपको बैड वाइब्स नहीं देते। अभी फटाफट चलते थोड़े खाली रोड पे, वहाँ जाके थोड़ा बाइक को ट्रैक करते, मज़े लेते, मूड फ्रेश हो जाएगा, फिर घर जाके वीडियो अच्छे से एडिट कर पाऊँगा। साले 5 बजे बुलाया था, शर्म कर ले। ओहो पैसा एकरा पोइक। अभी गाइस मज़े देखना, मैं जैसे कौशिक के पास जाके थोड़ा बाइक का आवाज़ करूँगा ना, कौशिक कैसे भगाएगा देखना। जैसे पहले सामने ट्रक है उसको हट जाने दो। देख रहे हो मैंने बोला ना, देखा भाई, मतलब मैं जानबूझ के ना गियर कम रख के आवाज़ ज़्यादा करता हूँ बाइक का, तो ये फटक से भगाने लगता है। नहीं रे ऐसा रहता है। पापा की परी भाई, कौशिक आ गया था फ्यूल डलाने, तो मैंने सोचा कि लगे यार मैं भी डला ही देता हूँ, मेरे बाइक में भी थोड़ा कमी है, ज़्यादा है नहीं भाई। ये रहा कल्याण का बिरला कॉलेज, यहाँ पे पूरा कल्याण आता है लड़के देखने के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं केक लेने के लिए, क्योंकि फ्रेंड का बर्थडे बताया था ना, तो उसके लिए केक लेने जाना है। अरे मैं तू क्या बोला पहले, क्या बोला? अरे हम ज़्यादा इतना मारूंगा ना, बोलते हैं तेरे फ़ोन में मैच लगा, जबकि इसको पता है मेरा फ़ोन ख़राब हुआ है साला। करने आराम खोर, गलती गूगल की नहीं थी गाइस, मेरे एक्चुअली दोस्त ना थोड़े अनपढ़ है, इसलिए हमें सफ़र करना पड़ता है। बंदे ने कल्याण में जाना है हमें, और उल्लासनगर की लोकेशन डाली और मुझे लेके जा रहा है, और मैंने एक बार देखा मैप्स दूर से, मुझे पता चला कि भाई ये उल्लासनगर लेके जा रहा है। उसको बोला पहले लोकेशन ले उससे, दूसरा वाला इतना लंबा लेके आया, गोल गोल घुमा रहा है पूरे कल्याण में साला। अभी हम लोग जहाँ से आए हम लोग को वही रिटर्न जाना है, वरना ये उल्लासनगर लेके चला जाता साला। आज तो मन कर रहा है इसका जो KTM लिखा है ना उस पे ही दो टपाटप टपली मारूं साले के, पर क्या है भाई मेरे दोस्त है, मेरे को ही झेलना पड़ेगा। हाँ गिराया भाई, मोबाइल क्यों गिरा रहा है, मुझे नहीं चाहिए कंटेंट। वैसे गाइस मैंने आपको बताया नहीं बर्थडे किसका है, अपना जो एक्सपोज 200 वाला भाई है ना हर्षल, उसका बर्थडे। ए यश, हवा 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 हवा,
भाई आ गया हमारा बर्थडे बॉय भाई, हैप्पी बर्थडे। किधर गया था आज, गोवा भी गया था क्या? शर्ट तो देखो बोल गोवा था क्या, ऐसा लग रहा है। तो भाई हम लोग आ चुके हैं नए रोड पे, यहाँ पर ड्यूक 250 आज स्प्लेंडर लेके आया यश, लेजेंड वाली बाइक, और ये एक्सपल्स अपने ऑरा और एक हस्करना भी है। ए चलो, और ये कौन है, ये कौन है? पता नहीं भाई इन्होंने क्या नाम डाला है, मुझे भी नहीं पता है। अरे पहले देखो ये डालूंगा पक्का मैं। नहीं नहीं मत भाई, सॉरी मैं आपको केक नहीं दिखा सकता। केक पे, केक पे हर्षल का सीक्रेट है। हाँ वो बिप का टैग खिला दे इसको, फिर दिखा सकते हैं। वो नाम के एक ही जन रहते हैं क्या? माफ कर दो, बख्श दे। एक भी गाड़ी में इधर पे डबल स्टैंड नहीं है, लेकिन लेजेंड ये काम कर सकती है। हाँ और ये ले, हाँ ठीक है। सब राइडिंग पे चलते, क्यूट दिख रहा है हर्षल बहुत। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुशी खुशी देख रहे हो, खुशी देख रहे हो। हैप्पी बर्थडे, लिव लॉन्ग, बहुत सारी बाइक खरीद और हमें भी चलाने का मौका दे। ऐसे टाइम पे बेहतर यही है कि अपना केक कभी लेके साइड हट जाओ, और ना पूरा मुंह पे लगा देता ना, फिर मिलता नहीं खाने। केक इम्पोर्टेंट है। तो भाई इसका बर्थडे सेलिब्रेट करके हो गया, और आपको पता है कि रिसेंट डेज में हमने डलाया था इसमें गोल्डन चेन स्प्रॉकेट जो ब्रास कीट है वो, तो वो डलाने के बाद मैंने बाइक चलाई नहीं, उसके पहले मैंने चलाई थी, तो थोड़ा चला के देखता हूँ कि कैसा फील आ रहा है, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं था कि मतलब डालने के बाद बाइक कैसी चल रही है, क्योंकि उसके पहले ना इसका जो स्टॉक स्प्रॉकेट था वो थोड़ा घड़घड़ कर रहा था। तो लेट्स सी कि अभी कैसे चल रही है बाइक, थोड़ा सा चला के फील लेके देखता हूँ। भाई स्मूथ तो चल रही है यार, अरे मक्खन चल रही है भाई। भाई ये इनिशियल स्पीड पे तो आई कैन फील कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है, बाइक बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही है, और अभी चलाने को मज़ा भी आ रहा है। तभी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहे थे, शायद वो स्प्रॉकेट की वजह से ही थे। मतलब मुझे लग रहा था कि इंजन का ही रिफाइनमेंट बहुत गंदा है, लेकिन वो शायद स्प्रॉकेट की वजह से था। अभी बाइक थोड़ी अच्छी चल रही है, अभी थोड़ा सा ड्राइव करके देखता हूँ कि कैसी बाइक, बाइक का रिस्पॉन्स क्या है क्या नहीं है। भाई फट्टे चेंज आ गया है वे, क्या भाग रही है बाइक, पिकअप कितना बढ़ गया है मालूम है कि इसका जमीन आसमान का फर्क हो गया है। बाइक का जो पावर है ना अभी फील हो रहा है, इसके पहले ना लिटरली इसके पहले मुझे लगता था कि इसमें पावर नहीं है, बट अभी जो पिकअप मिल रहा है ना नेक्स्ट लेवल, सच्ची में यार सही मिल रहा है बहुत। और अभी पहले ऐसा वाइब्रेशन भी नहीं मिल रहा, बाइक एकदम स्मूथ चल रही है, और पिकअप कितना अच्छा ले रही है, पहले पिकअप ना उसके वजह से ही नहीं ले रही थी तेरी बाइक। नॉइस बहुत ज़्यादा चला जाता है बाइक का, नॉइस आता ही नहीं है। अरे बाप रे कितनी क्यूट है वो, देखिए उसका ऐसे सूजा हुआ क्या। भाई अंधेरा हो गया, पता भी नहीं चला, निकल रहे अभी यहाँ से। हर्षल बोल रहा है रुको मुझे पार्टी देना है, सोच रहा हूँ जॉब पे लग जाओ, ये सब छोड़ दूँ। वेलकम बैक टू द चैनल। लाल परी, दो दो लाल परी हमारे साथ आज। क्या बोला मेरे लिए? भाई मैंने घर पे कॉल करके बोल दिया कि मेरे लिए खाना मत बनाओ, चीज़ें आती जा रही है भाई, इसके बाद भी कुछ आने वाला है क्या? अभी ये देख के मुझे लगा खत्म नहीं होने वाला, सूप तो मेरा इतना ही खत्म हुआ, सूप मुझसे खत्म भी नहीं हो रहा। बोलना पापा कैमरा नहीं सुनना, सुनना मैं उनको उनको रेट बताया, रेट बोला राहुल क्या कर रहे, मोबाइल लटको बोलते और चेस्ट फोन भी कर रहा कोई बोलो मैं को देखता। खाना दबा के हो गया है, ऐसे हर दिन किसी का बर्थडे हो तो घर पे खाना खाने की जरूरत ही ना पड़े। कह रहे कल किसका बर्थडे है? दो बार आता है, चलो दो बार पार्टी लेंगे, कोई बात नहीं। चलेगा रे, कब आने रिटर्न बताओ, कल आने तो दे। मजाक कर रहा हूँ भाई, खा के अच्छे से हो चुका है, अभी जा रहे हैं यहाँ से घर पे। इस वीडियो को ये पे क्लोज कर रहा हूँ, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। और ये देखो अपनी औरा को कितनी प्यारी दिख रही है, ये क्या इसकी इज्जत है कि नहीं। हाँ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।